वैनगंगा पांगोली सांस्कृतिक महोत्सव पांगोली, हाँ ये है ना, आए ना ब्रह्मानंद करंजी का। अभी जाने लगे हैं हम लोग, थोड़ा सा बाहर में प्रोग्राम है ना, तहरार के साथ जा रही हूँ मैं, देख करके आते ही करके इसको नाखून बनाना चाहता, दूसरा काम नहीं आता इसको, बस यही काम कर सकता है। हाँ अरे बैठे नहीं हूँ, ग्रामीण भागाचे हे खरे ग्रामीण आदिवासी यांचे नृत्य होतं आणि तुमचे आम्ही आपले 8 मिनिट घेतले, पण याच्या मागचं कारण असंच होतं की आमची खरी संस्कृती खरे आदिवासी। उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांच्यासह मान्यवरांना करत आहेत, या कॉफी टेबल पुस्तकासाठी जिल्हा प्रशासनाचे सहकार्य लाभले आहे। अरे यार कोणत्या मंडळात जिल्हा, अरे आपण सगळे इथेच आहोत ना, थोडस हो जाऊ ना, आर यू रेडी? प्रथम पुरस्कार 15,000 का चेक सभी तालुके के विनर को दिया जा रहा है। यहाँ पे मंडळी माझी खरच इच्छा आहे की सगळ्या शिवमोग्यांसाठी सगळं प्रथम पारितोषिक वाल्या सगळ्यांसाठी गाळा उभा होऊया, आज हीच वेळ आहे की यांच्या आनंदामध्ये आनंदित आपण सगळे एकत्र होऊ शकतो। कॉन्ग्रॅच्युलेशन्स, थँक यू। इसके बाद अगला ग्रुप जल्दी आ जाए। और साथों ने मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है, जिस तरीके से आज धारदार सांस्कृतिक महोत्सव यहाँ पे मनाया जा रहा है, वैसे ही आने वाले 12 अक्टूबर को भंडारा में धारदार नौकरी महोत्सव भी मनाया जाएगा, और 13 अक्टूबर को गोंदिया में ये धारदार नौकरी महोत्सव मनाया जा रहा है। क्या बात है, जहाँ बड़े पैमानों पर मी मंचावर आमंत्रित करू इच्छित आहे अध्यक्ष वैनगंगा बहुउद्देशीय विकास संस्थेचे डॉक्टर आनंदजी करंजेकर यांनी, यांनी ग्रुप वर मंच गाठावा अशी मी त्यांना विनंती करते। माननीय डॉक्टर प्रमानंदजी करंजेकर यांनी मंचावर यावं ही विनंती करते मी। उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांच्यासह मान्यवरांना करत आहे, या कॉफी टेबल पुस्तकासाठी जिल्हा प्रशासनाचे सहकार्य लाभले आहे, तर संपादक जिल्हा माहिती कार्यालयाने सुद्धा केलेले आहे। हे पुस्तक तुमच्या सगळ्यांपर्यंत पोहोचते आणि याच पुस्तक विलक्षणाकडे आपण आता सामोरे जाणार। गोंदिया कलेक्टरांनी सुद्धा सामोरे यावे अशी विनंती करणार आहे, आणि या पुस्तकाचे इथे पुस्तक विमोचनाच्या या कार्यक्रमाला पण सामोरे जात आहे, आणि यासाठी माझी एक सुंदरशी मदत। थँक्यू थँक्यू। म्हणजे ज्यांच्यापर्यंत जर माझा आवाज पोहोचत आहे, जे एंट्री गेट जवळ आहे त्यांना नम्र विनंती आहे की त्यांनी कृपया मंचाच्या म्हणजे मंचाजवळ इथे येऊन
त्यांनी आपली जागे सानापन्न व्हावं, कारण हा कार्यक्रम अजून संपलेला नाही आणि कार्यक्रम अजून बराच बाकी आहे, त्याकरिता मी सामोरे जाणार आहे. भंडारा गोंदियाचं आयोजन केलेलं आहे आणि खासदार महोत्सवाच्या अंतर्गत या सगळ्या सांस्कृतिक महोत्सवाच्या माध्यमातून आज या 10 तालुक्यांमध्ये जे विविध क्षेत्रामधले जे जे वैनगंगा पांगोली सांस्कृतिक महोत्सव पांगोली हा ये है ना पाया ना ब्रह्मानंद करंजीकर पब्लिक के मारे बहुत परेशान है सब तरफ बोली हुई सब आपके रूम में आप यहाँ अपनी गाड़ी उधर रखिए ना मेरे को नहीं लगता कल मार्केट भरेगा पर इसको लग रहा है मार्केट भरेगा रात को यानी कि नहीं अभी है रात थोड़ी देर का ही प्रोग्राम है हाँ पर है लेकिन ज्यादा देर का नहीं यहाँ पसीना पसीना हो गया एक वीडियो के लिए आकर के हम लोग जो होता है ना हर किसी को कि वायरल हो जाए किसी भी तरीके से तो इस वजह से हम लोग किसी लालच में आए इतने दूर लाख की हमने गाड़ी खड़ी किए थे यहाँ पर क्योंकि उधर में बहुत भीड़ थी पुलिस का बहुत ज़बरदस्त पहरा है इस वजह से यहाँ पर लाके खड़ी करना पड़ा हमको गाड़ी वाली है पता नहीं बहुत प्यारे बलून लग रहे कितने के ये 60 रुपए के 60 के बोल क्या करेंगे नहीं वो क्या है वाला सुबह कहाँ लगाएंगे तो यहाँ पर गए हैं रात पेट्रोल डालने के लिए और मैं यहीं पर खड़ी हूँ इस रोलर के पास में वहाँ से निकले तो अभी पेट्रोल हो गया था ख़त्म तो यहाँ पर नहीं क्या प्रोग्राम अभी ख़त्म होने को ही था लेकिन हम लोगों को और भी ज़्यादा काम थे इस वजह से नहीं क्या हमने थोड़ा सा ही प्रोग्राम देखे इसके बाद में आदिवासी डांस शुरू हुए थे यहाँ पर गोंडी डांस जिसको बोलते हैं जो बहुत ही प्यारे होते हैं देखने में बहुत मज़ा आता है लेकिन यहाँ से मुझे म्यूज़िक हटाना पड़ा क्योंकि कॉपीराइट इशू हो जाता है इस वजह से बाकी की जगह तो सिर्फ आप लोगों ने भाषण सुने होंगे आप लोगों को समझ नहीं आया होगा तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि यहाँ पर हमारे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस और साथ ही जो बीजेपी के जितने भी मिनिस्टर्स थे वो सब आए हुए थे यहाँ पर तो ये प्रोग्राम का अरेंजमेंट हुआ था सुनील भाऊ मेंढे के तरफ से तो यहाँ पर नहीं क्या प्रोग्राम का अरेंजमेंट बहुत अच्छे से हुआ था और बैठने का अरेंजमेंट वगैरह था पानी का था यहाँ पर गोंदिया भंडारा और साकोली मिलकर के ये प्रोग्राम किया गया था जिसका नाम था सांस्कृतिक पांगोर वैनगंगा पांगोली महोत्सव सांस्कृतिक महोत्सव करके जो बहुत अच्छे तरीके से मनाया गया यहाँ पर और बस इतना के मतलब बैठने का अरेंजमेंट वगैरह सब कुछ था सब कुछ डेकोरेशन वगैरह भी बहुत परफेक्ट हुआ था और हमारे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र जी फडणवीस बहुत देर तक के रुके रहे बच्चों को अपने हाथ से वहाँ पर प्राइज़ दिए उन्होंने और प्रोग्राम का जो था वो एंडिंग तक तो हम लोग रहे नहीं तो हमको उतना पता नहीं आ तो ये तकरीबन 9 बजे तक के कुछ चला था और सेकंड डे और प्रोग्राम था जहाँ पर जो बचत गट की लेडीज़ वगैरह होती है उन लोगों के प्रोग्राम्स थे यानी कि खेती वगैरह के बारे में या फिर ऐसा देश के बारे में ऐसे कुछ प्रोग्राम होने वाले थे बट मेरा वहाँ जाना नहीं हुआ क्योंकि मेरी तबीयत हो गई थी ख़राब तो मैं सेकंड डे बिल्कुल भी नहीं गई थी तो बस इतना ही था ये वाला व्लॉग इसके बाद में नहीं किया मुझे थोड़ा सा बिस्किट वगैरह लेने के लिए जाने का था तो मैंने सोची कि ये प्रोग्राम जैसा हरार ख़त्म हो रहा है तो चलो हम लोग अब सुबह के लिए लेकर के आ जाते बिस्किट करके तो ये व्लॉग नहीं बोलूँगी वीडियो ही बोलूँगी थोड़ा बहुत वीडियो और व्लॉग मिक्स है कि हमारे छोटे से साकुली में भी इतने बड़े बड़े प्रोग्राम के अरेंजमेंट हो सकते हैं ये मतलब एक दिखाना आप लोगों को मेरा मतलब मकसद था एक तो आई होप कि आप लोगों को मेरा आज का ये व्लॉग पसंद आया है पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइए लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए और कमेंट करना ना भूलिए मिलती है आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़